हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा शिक्षकों पर की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा करते हुए रवि कुमार दलित एवं समाज सुधारक सभा व समता सैनिक सदस्यों द्वारा ऐतिहासिक रिज मैदान में धरना प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मंत्री को तुरंत कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग की गई एवं प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए चेताया गया कि यदि मंत्री का निलंबन न किया गया तो प्रदेश के सभी उपायुक्त कार्यालयों के बाहर घेराव किया जाएगा। बहुत बड़ी है, जिनकी प्रतिमा के समीप हम बैठे हैं, महात्मा गांधी, उन्होंने भी शिक्षा ग्रहण की है। वो शिक्षा ग्रहण करके बैरिस्टर बने थे। और सवाल बहुत बड़ा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक नादान मंत्री जिन्हें जयराम सरकार ने बना दिया और नाम उनका महेंद्र सिंह ठाकुर है, हिमाचल प्रदेश के अध्यापकों पे वो टिप्पणी करते हैं, वो कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो अध्यापक हैं उन्होंने 2 साल में अत्यंत मजे लिए, बेशर्मी की हद होती है। जिन शिक्षकों के दम पर वो हिमाचल प्रदेश में जो शिक्षा ग्रहण की, वो भी किसी ना किसी गुरु के चरणों में रहे होंगे। जब हम बचपन में होते हैं तो पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर हम जब उंगली पकड़ के हमें स्कूल छोड़ा जाता है तो दूसरे गुरु जो है अध्यापक होते हैं। तो ऐसे गुरुओं का अपमान किया गया जो बहुत शर्मनाक है, जिसकी जितनी घोर निंदा की जाए वो कम है। हम लोग जो है यहाँ पर, हमारे साथ जो है समाज सुधारक सभा के हमारे जियालाल साधक जी, हमारे सुदेश कुमार जी, समता सैनिक दल के उपाध्यक्ष अपने मधु ग्रमाल्टा जी, और साथ में हमारे साथी बैठे हैं, और ये सब इतने आहत है हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरीके का जो इन्होंने बयान दिया है, जिससे पूरा गुरुकुल आहत है। और हिमाचल प्रदेश का मंत्री अगर इस तरह के बयान दे तो शिक्षा का स्तर गिरने जैसा है। ये ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।